सब्सक्राइब कीजिए एज सिंपल एज एबीसीडी को एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिगर समय गवाए। इस वीडियो के अंदर हम 10 ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। 10 जो ये जितने भी ईडियम्स मैं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुकी हैं, चाहे वो MTS का हो, CGL का हो, किसी का भी हो। तो ये जो ईडियम्स आ चुकी हैं एग्जाम के अंदर, और इस वीडियो में हम इन ईडियम्स को कवर करेंगे, इनका मीनिंग बताएंगे हिंदी में, इंग्लिश में, और कुछ सेंटेंस के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिगर समय गवाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्रेस करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाकर रहता हूँ। द फर्स्ट ईडियम ऑफ दिस वीडियो, बैंड ओवर द बैकवर्ड्स, इट मीन्स इन हिंदी यथासंभव कोशिश करना। यथासंभव कोशिश का मतलब है जितना आप सके हो सके उतनी आप कोशिश करते हो कुछ पाने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए। चलिए डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, स्पेशली टू बी फेयर और हेल्प। मतलब कहने का मतलब यह है कुछ पाने के लिए आप जो सारे एफर्ट कर देते हैं, मतलब जी जान लगा देते हैं कुछ पाने के लिए और किसी की हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पर इस एडियम का यूज होता है। चलिए एग्जांपल के माध्यम से इस एडियम को समझने की कोशिश करते हैं। दे बैंड ओवर द बैकवर्ड टू हेल्प हिम बट दे कुड नॉट सेव हिम। और चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। I will bend over the backward to improve your idioms and phrases. तो आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। तो मैं सारी कोशिश करूँगा आपकी idioms and phrases को improve करने के लिए। I hope you understood and let's move on our next idiom. Next we have hide one's light under a bushel. It means in Hindi प्रतिभा होने के बावजूद भी विनम्र होना। कहने का मतलब यह है किसी के पास प्रतिभा है कुछ करने की और वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं रहा है, बस ये का मतलब है इस पूरी एडियम। और चलिए बढ़ते हैं अपने मीनिंग की ओर। टू कीप वंस गुड क्वालिटीज एंड एबिलिटीज सीक्रेट फ्रॉम अदर पीपल। तो यहाँ वही मतलब जो बताया जो मैंने बता दिया है आपको, प्रतिभा होने के बावजूद भी दूसरों से छुपाना अपनी प्रतिभा को। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डोंट हाइड योर लाइट अंडर अ बुशल एंड शेयर योर थॉट विद योर फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग। और चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सुनीता हैज सम गुड आइडियाज But she does not tell us. She hides her light under a bushel. I hope you understood this main. And let's move on our next idiom. So next idiom we have stab once in the back. It means in Hindi चुगली करना। जैसे किसी की चुगली करते पीठ पे चुगली करना, तो वो। और चलिए मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। To betray someone confidence or trust. कहने का मतलब है किसी के पीठ पीछे और किसी की आप चुगली करते हो तो उसका मतलब है कि आप उसका विश्वास तोड़ रहे हो। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज डोंट स्टैब योर फ्रेंड्स इन द बैक। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने फ्रेंडों की चुगली मत करो। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट सी स्टैब मी इन द बैक विद माई बॉस। तो आप इसका ही मीनिंग समझ गए होगे। तो ये कहने का मतलब यह है कि किसी की चुगली करने से रिलेटेड, अगर आप कहीं ये अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा करता है तो आप उसके लिए या किसी के लिए भी इस ईडियम को यूज कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट वी हैव ईडियम, ईडियम नंबर 4, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर। इट मीन्स इन हिंदी मुश्किल समय में बड़े या मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए सीधा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं।
When you face extremely and undesirable situation, it is sometimes necessary to take extreme action. कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी समस्या में और हो तो आप उसके निकलने के लिए, उससे बचने के लिए आपको बड़ा एक्शन लेना होगा, मतलब कुछ बड़ा काम करना होगा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो वहाँ पर इस एडियम का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई विल हैव टू स्टडी ऑल नाइट बिकॉज ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल्स मीन। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर द थर्ड एक्सीडेंट ऑफ रोहित हिज फादर कॉन्फिस्केटेड हिज कार, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस idiom मीन एंड दिस सेंटेंस एज वेल, एंड लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी हैव idiom। idiom नहीं है ये, तो ऐसा phrases है, एक phrasal verb है ये, idiom नहीं है, ये आ रखी है एक एग्जाम में, इसलिए मैंने सोचा कि इसके भी ऊपर आप बना दी जाए क्योंकि आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। ये जो है शूट थ्रू, शूट थ्रू मीन्स इसका मतलब होता है हिंदी में खिसक जाना या रवाना हो जाना। चलिए सीधा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। टू लीव अ प्लेस वेरी क्विकली स्पेशली इन ऑर्डर टू अवॉइड, मतलब कहने का मतलब है किसी परिस्थिति को फेस करने से पहले निकल जाना, छोड़ के चले जाना, मतलब फेस मत करो, अवॉइड करके चले जाओ। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉज ओनली 5 years old, हिज फादर शूट हिम थ्रू, तो कहने का मतलब है कि उसके पिता उसको छोड़ के चले गए जब वो 5 साल का था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक दैट पुअर पर्सन, दैट्स वाई दे शूट हिम थ्रू। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, एंड लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट idiom। नेक्स्ट वी हैव idiom, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इट मीन्स इन हिंदी, जैसा बाप वैसा बेटा। आपने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी, बहुतों के मुंह से सुनी होगी कहते हुए, जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है, नेगेटिव तो लोगों ने बना रखा है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसा आप, जैसे कोई बंदा है, कोई पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं तो उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नेगेटिव में ही यूज़ करें, पॉजिटिव में भी कर सकते हो, या आप पे डिपेंड है। चलिए सीधा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। समवन हु इज़ वेरी सिमिलर इन करेक्टर टू देयर फादर और मदर, समझ गए। तो चलिए सीधा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जॉन लुक्स लाइक हिज फादर अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। प्लीज बिलीव मी ही इज नॉट अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। आई होप यू गॉट दिस idiom मी, एंड लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट idiom। नेक्स्ट वी हैव idiom, idiom नंबर 7, बीट अ हैस्टी रिट्रीट। इसका मतलब हिंदी में होता है हड़बड़ाकर भागना। तो चलिए सीधा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन, मतलब कोई बड़ी सी सिचुएशन आ गई, आपदा आ गई कोई, तो उस सिचुएशन से एकदम भागना, हड़बड़ा सा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन दे सॉ पुलिस अराइविंग दे बीट अ हैस्टी रिट्रीट, मतलब जैसे उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा वो एकदम हड़बड़ा कर भाग गए। हो सकता है वो चोर हो, कुछ भी हो जो उन्होंने किया, तभी तो वो भागे हड़बड़ा के। चलिए दूसरे मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। When the bomb blasted, so everyone beat a hasty retreat. जब बॉम्ब फटा तो सभी भागने लगे हड़बड़ा कर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस idiom मीन, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी हैव idiom, bat behind the ear. इट मीन्स इन हिंदी अनुभवहीन। अनुभवहीन का मतलब जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, नो सीखिया कह सकते हो आप उसको, नोविस कह सकते हो। चलिए सीधा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इमैच्योर, इमैच्योर मतलब वही होता है अनुभवहीन। चलिए सीधा एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज अ गुड पर्सन बट अ बिट बैड बिहाइंड द ईयर, मतलब वो अच्छा व्यक्ति है बस, मतलब कमी क्या है कि वो अनुभवहीन है, मतलब उसको थोड़ी काम की कम नॉलेज है, नो सीखिया है।
चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर पढ़ते। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे कैंट डील विद फॉरनर्स, दे हैव बैड बिहाइंड द ईयर, मतलब दे वो फॉरनर पीपल से सौदा नहीं कर सकते बिकॉज उन पे अनुभव ही नहीं है, उन पे नॉलेज ही नहीं है, तो वो उनसे फॉरनर से सौदा नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एडियम मी एंड लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट एडियम। नेक्स्ट वी हैव एडियम, टेक द लॉ इन टू वंस ऑन हैंड, इट मीन्स इन हिंदी कानून को अपने हाथ में लेना। तो कहने का जब आपने ये सुना भी होगा मूवीज वगैरह में, जो शो आते हैं मूवीज में उसमें आपने सुना भी होगा ये कहते हुए जज को। तो चलिए सीधा मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। टू पनिश समवन फॉर एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू वंस ऑन आइडिया और ऑफ जस्टिस स्पेशली इन अ इलीगल और वायलेंट वे। और चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस एडियम को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट, द कोर्ट हैज बीन अनाउंस्ड टू कीप काम एंड डोंट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड। आई होप यू गॉट इट। एंड चलिए नेक्स्ट वी हैव, यू कैन नॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड इवन हु हैज मर्डर एन इनोसेंट पर्सन। आई होप यू गॉट इट एंड लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव एडियम, गेट इन टू द बैड कंपनी, इट मीन्स इन हिंदी बुरी संगत में पड़ना। हाँ, ये वही वाला बुरी संगत है जो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा बुरी संगत में मत पड़ो, बुरे लोगों के साथ मत बैठो, ये जो वगैरह वगैरह आपके पेरेंट्स कहते हैं, तो ये वही वाला है। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन, टू स्पेंड टाइम विद पीपल और फ्रेंड्स हु आर नॉट मॉरली गुड। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस एडियम को समझने की कोशिश करते हैं। मदर ऑफ मुकेश, सी इज वरीड अबाउट हर सन, she thinks that she is getting into the bad company. और चलिए बढ़ते हैं अपने next example की ओर। You have gotten into some bad company these days, Pawan, and if you get arrested, I will not bail you out. If you have any confusion about these idioms, so please write in comment box. I will make you understand again. Keep supporting to my channel. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू एडियम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।